Slugbrain! Slugbrain! ट्रिक्सी रुको भी, आखिर हुआ क्या है? कुछ देर पहले हम नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद अचानक यहाँ। मेरा मतलब मैंने उससे माफ़ी मांगी, इसमें मेरी गलती नहीं थी, नाश्ता प्रॉन्टो ने बनाया था। मेलनॉइड का नाश्ता पचाने के लिए मेरे जैसा पेट होना चाहिए जी। मैं इसलिए वहाँ से नहीं निकली, वैसे कुछ वजह वो भी थी। जब मैंने वो देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, ये वाकई में सच है। No way! वो एमिक बोसलग असल में है। मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे उल्टी आ रही है। एमिक बोसलग? मैंने पहले कभी नहीं सुना, वो ऐसा क्या करता है जो इतना खास है? कोई नहीं जानता, सब लोग सोचते हैं कि एमिक बोसलग सिर्फ एक झूठी कहानी है और शायद ये तो आखिरी वाला बचा है। इसे ट्रांसफॉर्म होते किसी ने नहीं देखा। तो अगर हमने जल्दी की तो उसे ढूंढने और चलाने वाले हम पहले होंगे। शायद इससे भी अच्छा, हम उसकी फिल्म उतारने वाले पहले लोग होंगे। ये जगह तो कमाल की है, देखकर अच्छा लगा कि स्लग टेरा में ऐसी भी जगह है जो खराब नहीं हुई है। खराब नहीं थी पर अब हो गई। और शायद हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। स्लग हंटर्स, और ये भी एनिग्मो को ही ढूंढ रहे हैं। पहले कि वो सारा जंगल तबाह कर दे हमें उन्हें रोकना होगा। मुश्किल है, मेकाज वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि मशरूम्स के छोटे छोटे टुकड़े मेकाज में फंस सकते हैं और इनकी हालत। तो हमें वहाँ चलकर जाना होगा। कॉर्ड चलो। ये ठीक नहीं है, पैदल चलकर स्लग का शिकार करेंगे, ये तो जंगली वाला है जी। हाँ, बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए जी। हाँ, अगर तुम्हें एनिग्मो नहीं चाहिए तो। पर हम तो उसे पाने के लिए काफी उत्सुक थे। जैसे ही तुम में से किसी को मिलेगा वैसे ही हम उसे खरीद लेंगे, वो भी अच्छी कीमत देकर। मैं इसे अच्छी कीमत बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी कीमत है। ओ, अगर हम इतने ही अमीर हो गए हैं तो तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो क्या? मुझे आखिरकार एक नया मेका बीच मिलेगा जिसमें आरामदायक सीट्स होंगी, एक सोने से बना हैंडबैग, साथ में मेरी कंघी भी, नहीं रुको, एक नया स्कार्फ। हाँ जी, प्रॉन्टो सपने देखना बंद करो। ये तो बहुत सारा सोना है, पर पता नहीं मैं बेच सकूंगा कि नहीं। तुम्हें शायद ही मौका मिले क्योंकि कुछ लोग पहले से ही काम पर लगे हैं, पर अगर तुमने उसे पहले ढूंढ निकाला तो वो सोना तुम्हारा होगा। दोस्तों संभाल कर। नहीं, तुम एनिग्मो नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई ढेर सारा सोना नहीं देने वाला। हम पर हमला करने की हिम्मत कैसे की तुमने? मुझे बात करने दो ट्रिक्सी। देखो, हम सब एनिग्मो को ढूंढने के लिए उतावले हैं,
पर मुझे लगता है उसे ढूंढने के लिए इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं। हे, पता है क्या, ये बच्चा सही कह रहा है। हॉप रॉक्स इस्तेमाल करने के बजाय क्यों ना हम फ्लेयरिंग गोस्ट को इस्तेमाल करके सारे पेड़ों को जला दे। अगली बार अगर मैं ही बात करूं तो कैसा रहेगा इलाई? अच्छा रहेगा। प्रॉन्टो, टेज़रलिंग स्लग तुम्हारे पीछे है। मैं देखता हूं। ओह, उससे बात नहीं बनी। माफ करना प्रॉन्टो। घर जाएगा। देखो, लगता है एनिग्मा वहां रेंग रहा है। कोई बात नहीं, ये बस बेकार पत्ता है। ठीक है, ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। ओह, लगता है ये किसी तरह का जाल है। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तुम आखिर किस तरह के स्लग हो? हे हे, यहाँ बहुत सारे स्लग्स रहते हैं। सिर्फ एनिग्मो ही नहीं, तुम उनके घर को तबाह कर रहे हो। और इसे देखो, तुम्हारे जाल में ये स्लग फंस जाता। इलाई, यही तो एनिग्मो स्लग है। और वो मेरा जाल है। स्टॉकर, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं, वरना हम यहाँ रुकते ही नहीं। निकलो अभी। तो इस बार तुम बात करने वाली हो ना? तुम ठीक तो हो ना? वो गेरहोल्ड स्टॉकर है, स्लग टेरा का सबसे खतरनाक स्लग हंटर। वो बात नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर तुमने उसे देख लिया तो तुम गए काम से। अरे मियां, इसलिए उसे एसपी किए गए थे, शांत पर खतरनाक। माफ करना, पर मुझे तो लगता था शांत पर खतरनाक का कुछ और ही मतलब है। वो बिल्कुल मेरे पीछे है ना? वो एनिग्मो स्लग और मेरा जाल, अभी दो। हे, इससे पहले कि ये तुम्हारे जाल में गिरता, मैंने इसे सही तरीके से ढूंढा है। मैं यहाँ सही तरीके से खेलने नहीं आया, मैं तो यहाँ स्लग देकर उससे ढेर सारे सोने को ले जाने आया हूँ। मैंने कहा था ना, तुम्हें ही बात करनी चाहिए थी। अलग अलग हो जाओ। तुम्हें ये स्लग चाहिए? ठीक है, तो फिर ये लो। जब तुमने एनिग्मा को फायर किया, मैं देख नहीं पाई। प्लीज मुझे बताओ, वो ट्रांसफॉर्म होते वक्त कैसा दिख रहा था? नहीं बता सकता। पर क्यों? क्योंकि मैं भी उसे देख नहीं पाया। Ah!
डॉगी कहाँ गए? मुझसे मत पूछो। गॉड, इलाई को एनिग्मो ने हिट किया और अब वो ठीक से देख नहीं पा रहा है। दरअसल मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। असल में मुझे लगता है एक की जगह मुझे दो दिख रहे हैं। बोलो आ रहे हैं। क्या मैंने उसे मारा? लगता है निशाना चूक गया। आप चलो। मेरी बात मानो तो हमें साथ साथ चलना चाहिए जी। वो स्टॉकर कहीं भी हो सकता है। हाँ, प्रांतो ने सही कहा। क्या है ना, स्टॉकर बिल्कुल मेरी तरह ही मशहूर है। पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है, क्योंकि प्रांतो लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है और स्टॉकर जाल बिछाने के लिए। उसने शायद सारे गुफा में जाल बिछाए होंगे, इसलिए तुम सबको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हाँ देखो, बिल्कुल आइस है, आइस। फंस गया, मेरे फंसा नहीं, मिल गया। देखा, अपनी जान दांव पे लगा के मुझे एक जाल मिल गया। ये जाल तो बड़ा ही हाईटेक लग रहा है, पर इसे कैसे खोलते हैं ये मैं जानता हूँ। थैंक यू। देखो, मैं अब भी कहता हूँ कि ईलाई बिल्कुल बेकार हो गया है, इसलिए तुम्हें मेरी बात। प्रांतो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा है। सॉरी, मैं कहता हूँ कि अब भी मेरी बात मानो और यहाँ से निकल चलो जी। हम नहीं जा सकते। ईलाई की ये हालत एनिग्मो की वजह से हुई है और कोई नहीं बता सकता कि ये ठीक कैसे होगा। हा? हमें एनिग्मो को ढूंढ कर पता लगाना होगा कि ईलाई का इलाज कैसे किया जाए। हाँ, अगर वो स्टॉकर को ना मिला हो तो। मुझे पूरा यकीन है कि उसे वो अभी तक नहीं मिला है जी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो असल में वहाँ है। और वो ट्रिप वायर पर खेल रहा है। मैंने पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो? बस एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट है। पता है एक केव ट्रोल को बेहोश करने के लिए कितने डार्ट चाहिए? ये बिल्कुल सही है। अब चलो, हमें एनिग्मो को उनसे पहले ढूंढना होगा। हम कॉर्ड को ऐसे नहीं छोड़ सकते। स्टॉकर को एनिग्मो चाहिए, कॉर्ड को नहीं। हम उसे बाद में देख लेंगे जी। एनिग्मो काफी नजदीक है, अपनी आंखें खुली रखो जी। शायद मैं ये काम नहीं कर सकता। शायद कैमरा के जूम इफेक्ट से दिख जाए। हाँ, वो मिल गया। शायद ये दुनिया का सबसे बुद्धू स्लग है और इसीलिए ये एक लौता है जो बचा है। वो जाल में गिरने वाला है। ट्रिक्सी, मैं ठीक हूँ। प्रांतो, अब सब तुम्हें ही करना होगा, जाओ। देखा यार, हिलना बिल्कुल मत। स्लग के ये शिकारी सिर्फ डरे हुए को मारते हैं। अगर हम चुपचाप खड़े रहे ना तो ये हम पे हमला बिल्कुल नहीं करेंगे। देखा तुमने? नहीं। अब एनिग्मो को पकड़ने चलते हैं जी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनके नोकीले दांतों को मत देखना जी, उनकी खौफनाक आंखें, उनके पंजे जो आसानी से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं।
क्या हुआ ब्रोंडो? क्या एनिग्मो मिला? हाँ, मुझे मिला। बस इतना ही? तुम यूं ही यहां से चले जाओगे? खत्म कर दो उसे। रुको, मैं शिकायत नहीं कर रहा था, मैं तो बस पूछ रहा था। घबराओ मत गोपी, हमें बस उन्हें बताना है कि हम उनसे डरते नहीं। हाँ, ये थोड़ा आसान होता अगर मैं डरा हुआ नहीं होता। अच्छी बात है कि डॉगी पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, पर लगता है ये वाले चढ़ सकते हैं। चलो स्पिनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्पिनो, तुम्हारी बारी है। दोस्तों, क्या कोई है? कोई स्लग नहीं, कोई दोस्त नहीं। हार मान लो बच्चे, तुम फेल हो गए। तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। और अगर तुम एनिग्मो को भी लेकर यहाँ से चले गए तो तुम मेरे ठीक होने की दवा भी ले जाओगे और मैं अपने दोस्तों को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि वो स्लग बहुत कीमती है, पर मेरे लिए वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जब तक मुझे कुछ नहीं होता, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बहुत बात करते हो। क्या? ये मैं नहीं चाहता था। मैं देख सकता हूँ, शायद कुछ ज्यादा ही। भले ही सारी जगह जाल बिछाए हो, पर मेरे पास इस गुफा का सबसे बेहतरीन हथियार है। वो, तुम वाकई में अच्छे जाल बिछाते हो। तो अब क्या तुम आखिरी बार एनिग्मो से कुछ कहना चाहते हो इससे पहले कि तुम उसे दोबारा ना देखो? शायद नहीं कहना चाहते। चलो दोस्तों को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं।
तो एक मिनट, इस दुनिया का सबसे मशहूर स्लग असल में सिर्फ तुम्हारी आंखों को खराब करता है और दोबारा हिट करने पर वो फिर से पहले जैसा करता है। पर सोचो अगर हम दुश्मन को इससे पहले हिट करें, फिर तो वो बिल्कुल हार ही जाएगा। और मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर ये ऐसा था जैसे शायद उससे मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहा था, जैसे वो मुझे कुछ और ही बताना चाहता हो। तो तुम्हारा मतलब एनिग्मा तुम्हारी आंख को अंधा करने के अलावा कुछ और भी करता है? हाँ, अगर तुम इसे ठीक से इस्तेमाल करना जान सको तो बिल्कुल। देखो जी, मुझे लगता है कि हमारे मेकर्स वहाँ होने चाहिए। हाँ। ये तो ताज्जुब की बात है। मुझे सोचने दो, आपको लगा स्टॉकर ये करेगा? वो बस आता ही होगा। आप चाहे तो उसके लिए रुक सकते हैं, पर उसके पास ये नहीं है। बहुत खूब, आपने कीमत बताओ। ये देखते हुए कि मैंने और मेरे दोस्तों ने इसे पाने के लिए क्या क्या किया है, मुझे नहीं लगता मैं इसे बेच पाऊंगा। और तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं कहूँगा कि तुम बिल्कुल गलत हो। सोचो इसे बेचकर सोना मिलेगा, उससे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये रहा हमारा कार्ड, अगर ख्याल बदले तो हमसे मिल लेना। शुक्रिया, पर मुझे लगता है उसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा। नहीं, वो आएगा, मैं उसे मनाऊंगा। इला, रुक जाओ, अब जरा सोचो इससे हम क्या क्या खरीद सकते हैं। एक फुट मसाजर, एक नेक वार्मर, एक चमकीला स्कार्फ और एक प्यारा सा स्मूथ तकिया भी। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक की रिफाइनरी को उड़ाने का प्लान अच्छा नहीं था। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं बस कह रहा हूँ कि ये प्लान अच्छा नहीं था, पर देखा जाए तो आतिशबाजी कमाल की थी। फ्यू, सच में कमाल था जब वो जगह। अब हमें बस इस गुफा को पार करना है और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। उसमें एक प्रॉब्लम है इलाई, हम यहाँ से कैसे निकल पाएंगे जबकि हर तरफ ये लगे हुए हैं। तुम लोगों को पता है क्या, ये ठीक नहीं है। प्रॉम्प्टर को भी लगता है कि ये बुरा है। बुरा? ये बहुत बुरा है जी। वो अकड़पन कहाँ है और योग्यता? देखो, अब लग रहा है ना कि मैं वांटेड हूँ। शायद उन्होंने जल्दी जल्दी में बनाया होगा, लेकिन हमें बाहर निकलना होगा। बिल्कुल, इसी वजह से मैंने सबको यहाँ पे अपना दिमाग लगा के बुलाया है जी। एक बंद गली में। नहीं कॉर्ड, बंद गली में नहीं, ये खुफिया जगह पर जहाँ से निकल सके। ये कौन सी जगह है? ये रास्ता बिल्कुल नदी के किनारे निकलता है। पता है जब मैं छोटा था तो यहाँ पे समुद्री मेलानॉइड हुआ करते थे जी। और वो कौन सा दिन था? मुझे लगता है मंगलवार था। मैंने इस जगह के बारे में सुना है, स्लग टेरा के नीचे का जल मार्ग, पर सालों पहले यहाँ से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था। वो आ रहे हैं। और हमारे पास भागने के लिए जगह नहीं है। मेकास को यहीं छोड़कर तैर कर जाएं? मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। बढ़िया। वाव। दिखावा है। मैंने तुम सबकी भी ऐसी ही बनाई है। वो पीला बटन दबाओ। शेन गैंग दक्षिण की तरफ फ्लूम्स में जा रही है।
मैं नहीं जानता था कि हमारे मेका बीस तैर सकते हैं। ओ, ऐसा और बहुत कुछ है जो ये कर सकती है। ये मुझे सूखा भी रख सकती तो अच्छा होता। गॉड, क्या सच में तुम्हें पानी पसंद नहीं? सच कहूँ तो मैं साल में बस एक ही बार नहाता हूँ, और वो भी किसी के शिकायत करने पर। हाँ तो मैं अभी शिकायत करता हूँ कि तुम सिर्फ साल में एक ही बार नहाते हो। वैसे इन फ्लूम्स रास्तों का कोई इस्तेमाल नहीं करता, पर क्यों? कोई गीले गीले रास्तों से क्यों सफर करना चाहेगा जब आपके पास एक शानदार आलीशान स्लग करन एक्सप्रेस हो। उन्होंने हमें जाने क्यों दिया? अब अगर हम रुके हुए हैं तो हम हिल क्यों रहे हैं भाई जी? शायद जल्द ही पता चल जाएगा। पीछे चलो, चलो जल्दी। डरने की जरूरत नहीं है जी, मेरा समुद्री अनुभव कहता है कि इससे बुरा अब आगे कुछ नहीं हो सकता। क्या ये कहना जरूरी था? ऊपर करो बच्चों, तुम बिना इजाजत कैमन सीन्स के मास्टर मालवोलियो ड्रेक के इलाके में घुस आए हो। वो 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 वो, वो एक मिनट, हम यहाँ आए नहीं हैं, हमें बस यहाँ लाया गया है। ये अंडरटो गुफा है बच्चों, और यहाँ सिर्फ मैं बिजनेस करता हूँ। पर कौन सा बिजनेस? मैं तुम्हें क्या कोई अकाउंटेंट नजर आता हूँ या एक कपड़ा बुनने वाला? मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो फिरौती होगी तुम्हारे आधे स्लग्स। और तुम्हारी बात नहीं मानी तो? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम शार्क्स का खाना बनोगे। अगर वो हमें पकड़ सके तो? तो प्लान क्या है इलाय? चलो भी, हमारे मैकाज उस बड़ी शिप से तो तेज ही होंगे, है ना? मुझे नहीं लगता कि वो उस शिप से हमारा पीछा कर रहे हैं। मिस्टर वॉट्स, कहिए कैप्टन, बता दो उन्हें कि फ्रॉस्ट क्रॉलर्स किस तरह की गोलाबारी करते हैं। उनके पास तोपे हैं। अब ये मत कहना वो चलती भी है। हम इतनी दूर आ गए हैं कि उनकी सीमा रेखा से बाहर निकल गए होंगे। मुझे लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तैयार हो बॉबी? मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था। लगता है तुम्हारे तोपों में दम नहीं है। अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दिखा दो उन्हें कि हम क्या चीज हैं। गए गांव से।
ठीक है ठीक है, हमने तुम्हारी बात मानने का फैसला कर लिया है और कुछ लक्ष्य तुम्हें हम दे देंगे। अच्छी कोशिश थी बौने, पर कीमत बढ़ चुकी है। अब मुझे सारे स्लग्स चाहिए और तुम सब मेरी गुलामी करोगे। दिल पर मत लेना बच्चों। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हाँ हो सकता है, मुझे चक्कर आ रहा है। मैं कब से इस हिस्से को धो रहा हूँ पर ये तो साफ ही नहीं हो रहा, ये नामुमकिन है। क्योंकि तुम्हें धोना आता ही नहीं, एक शिप पर तुम्हें उल्टी दिशा में धोना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं तुम्हें एक दुखदायक जानकारी बताऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है और मुझे तुमसे ज्यादा बताएगी। और तुम कह रही थी इससे बुरा क्या होगा? हा? सावधान डेक मंकीज, कैप्टन ड्रेक आ रहे हैं। तुमने कहा था तुम्हारी हमसे दुश्मनी नहीं है। इतने खुश मत होना बच्चों, मैं एक समुद्री डाकू हूँ, तुमसे काम करवाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। वैसे लगता नहीं कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो। यही बात तो वही समझ आ रहा था, इनसे उल्टी दिशा में साफ करने के लिए मैं कह रहा था। इससे हमें यहाँ काम नहीं कराना चाहिए। हाँ, देखा तुमने, आखिर तुम्हें एक सेलर का हुनर पता चल ही गया। हाँ पता चल गया कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है, पर इस सुनसान समंदर में मन बहलाने वाले आसानी से नहीं मिलते। क्या तुम मेरे कैबिन मूल बनना चाहोगे? मेरी तरक्की होगी। तो तरक्की मिलने के क्या क्या फायदे हैं जी, जरा बताएंगे। एक फायदा ये है बच्चू कि उस बंदर की तरह तुम्हें शार्क्स को खिलाया नहीं जाएगा। उसे नीचे फेंक दो। जान बची तो लाखों भाई जी, मुझे मंजूर है। और अब मैंने तुम पर बहुत मेहरबानी कर ली, वक्त है तुमसे असली काम की बात करने का। मैंने लूटे हुए सारे खजाने में ये वाला सबसे कीमती है। देखो, जब से मैंने समुद्री डाकू बनना शुरू किया तब से जमा किए हुए मेरे टोनेल सुंदर है ना? तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि मेरा हर एक हिस्सा कुछ खास है, यहाँ तक कि मेरे टोनेल्स भी। बूबी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पास यहाँ सैकड़ों स्लग्स हैं। आखिर तुम्हें ये सब किस लिए चाहिए? किस लिए? सबसे ज्यादा स्लग्स पाने के लिए। इसी तरह तो हम समुद्री डाकू गेम खेलते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा स्लग्स वो जीता। ऐसा मत करो। मेरे मिमकी से दूर ही रहो बच्चे। इस शिप पर जितने भी तुम जैसे बंदर हैं, उनसे ये कई ज्यादा कीमती है। और मेरे खजाने के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की सोचना भी मत, फैंग की तुम पर नजर रहेगी। अब काम करो डेक मंकीज। तो सिर्फ इन्हें ही काम करना है ना, मैं तो आराम करूँ। हाँ अरे नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। कुछ खास? देखो मैं कैबिन में काम नहीं करना चाहता जी। रोको ही ना, इन्हें रोको प्लीज, रोको। अरे नहीं रोको। ठीक है, तो अगर हमने फैंग को चकमा दे भी दिया तो भी हमारे मेकास को उन्होंने अपनी कैद में रखा है और चारों तरफ शार्क से समुद्री डाकू हैं। हाँ, और इससे भी बुरा, हम यहाँ कैद में हैं और प्रॉन्टो ऊपर मजे कर रहा है। इसमें प्रॉन्टो की गलती नहीं है, मेरी है। मैं बिना प्लान के रिफाइनरी पर हमला नहीं करता तो हम यहाँ नहीं होते। डॉक्टर ब्लैक को जिनकी तलाश है वो तुम्हारे पास है। उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लगता है भाग निकलने का यही सही मौका है। रुको, इसके लिए हमें पहले एक प्लान बनाना होगा। तो चलाओ। ये प्लान कैसा है? संभल कर। लॉक है, हम फंस गए। बोपी, क्या तुम सब ठीक हो? बोपी, ये तो ब्लैक की शिप है। अब यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, जब वो हमें बम से उड़ा देंगे। लगता है अब हम भाग सकते हैं। बचाओ!
समुद्री डाकू। क्यों? तुम वहाँ से उनका ध्यान अच्छी तरह खींच रहे हो। पर मैं तो तुम्हारा कैबिन मोल हूँ ना। हाँ, और तुम भी वही कर रहे हो जो वो करते हैं, ध्यान खींचना। तुम्हारा बॉस मिस्टर ब्लैक इस बिग डैडी ड्रेक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें भी मेरा गुलाम बनना होगा। अब तुम ये जान लो कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही है। ये सच नहीं है सर। हमारे कैदी भाग रहे हैं और उनके पास हमारा खजाना है। टो नेल्स को छोड़कर उन्होंने मेरा खजाना चुराया। कोई एक लुटेरे को नहीं लूट सकता, ये बहुत बुरी बात है। उड़ा दो उन्हें। हमें ऐसा करने से पहले तोपों को फिर से भरना होगा। तो फिर से भरो अभी। इसे ठीक करना ही होगा वरना हम फिर से पकड़े जाएंगे। हम तुम्हें प्रोटेक्शन देते हैं। बचाओ, बचाओ। तुम क्या कहती हो, उसने काफी कुछ झेल लिया है। हाँ। ड्यूटी पर हाजिर आई जी। तोपे तैयार है सर। मिस्टर वॉट्स, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक शिप को डुबाना बेकार है अगर उस पर सवार कर्मचारियों को पकड़ सको। जी सर। पर आज हम उन्हें डुबाएंगे। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, समझे? तैयार, निशाना लगाओ और फायर। दोस्तों, ये शुरू हो गया। तो फिर चलो। जिंदा बच के जाने न पाए। जब मैं पायरेट स्कूल में था तब से मैंने ऐसा घटिया प्लान नहीं देखा है। शिप को 3 डिग्री घुमाओ, फिर हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेंगे। हमारा मुकाबला भले ही हमसे दुगने आकार की शिप से हो, पर डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार मेरे पास एक प्लान है। कोहरे की वजह से वो हमें देख नहीं पाएंगे। सब लोग पकड़े रहो। वो पत्थरों की तरफ जा रहा है। पर वो उसे पार नहीं कर पाएगा। वो ये बंदर तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। शिप को दूसरी तरफ ले चलो, हम उन्हें वहां देख लेंगे। मुझे ऐसी प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। आगे पत्थर है। इलाय। क्या? ये क्या? कोई भी शिप कैप्टन ऐसा नहीं करता। पर वो ऐसा कर रहा है। कैसा चल रहा है? चलो देखते हैं। तुमने मेरा खजाना चुराया, मेरी शिप को तोड़ा, पर यहाँ आकर मैं जीत गया। सर, शिप डूब रही है। अगर हमें डाकू गेम खेलते रहना है तो अगर मेरी शिप डूबेगी तो मैं भी साथ में जाऊंगा, और वो भी। दोस्तों, कैप्टन कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए हैं। अगर हमें शाक का खाना नहीं बनना है तो हमें दूसरी बोट में जाना होगा।
ठीक है मिमकी, दिखाओ अपना कमाल। तुमने ये कैसे? कमाल सिर्फ मिमकी कर सकता है बच्चे, जो एक स्लग करता है ये उसकी बिल्कुल सही नकल करता है। देखो वो रहे हमारे मेकास। वैसे इन्फर्नस जैसे पावरफुल स्लग पर भरोसा करना असल में अच्छा प्लान है, पर तब नहीं जब तुम्हारा सामना मेरे मिमकी से हो। हाँ वैसे मानना पड़ेगा कि मुझे प्लानिंग करनी आती नहीं है, तो चलो हो जाए। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ओह, तुम्हें लगा कि मैं इस बार भी बोपी का ही इस्तेमाल करूंगा? हाँ, लगता है आखिरकार मैं प्लान बनाना सीख गया हूँ। इलाय, चलो। तो ड्रेक के बोट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुंदर है। तुम्हारे इस बुरे बर्ताव ने इस कैबिन मॉल को बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है, इसलिए मैं काम छोड़ रहा। याद रखना उल्टी दिशा में। हमारी दुश्मनी नहीं है, याद रखना। नहीं, मेरे स्लग्स, मेरा खजाना मुझे वापस दे दो। तुम एक लुटेरे को नहीं लूट सकते। पता है इलाई, ये स्लग्स जो ड्रेक ने पकड़े थे इनसे एक बहुत बढ़िया स्लग आर्मी बन सकती है। तुमने सही कहा, बन सकती है, पर मैं इस तरह कोई पायरेट गेम नहीं खेलता। तो बताओ तुम्हें घर वापस कैसे जाना है? मुझे लगता है अब जबकि वो समुद्री डाकू नहीं रहे हम फ्लूम से जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने इतना नहा लिया कि अब अगले 5 सालों तक नहीं नहाया तो भी चलेगा। क्या तुम्हें देखना है कि अगर मैं 10 सालों तक नहीं नहाया तो मेरे शरीर से किस तरह की बदबू आएगी? हम रास्ते से ही जाते हैं। बिल्कुल यही ठीक रहेगा।